इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं हंसी को चुनसी के बारे में कुछ पता चला होता है, इसलिए जियान से कहता है मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए तुम मेरी ओर से क्लास में भी ले लेना। फिर वह थोड़ी दूर आ जाता है और लिली को कॉल लगाता है और पूछता है यह चुनसी को कुछ हुआ है, अभी उसका फोन ट्रैक करो और मुझे उसका लोकेशन बताओ। लिली अपने काम पे लग जाती है। फिर एमसी चाओ यू को कॉल करता है। चाओ यू बताता है अरे क्या तुम्हें कोई खजाना मिला है मेरे लिए? एमसी बताता है नहीं, असल में मुझे तुमसे एक लिफ्ट चाहिए। फिर चाओ यू बताता ठीक है तुम कहाँ हो, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर झाओजू अपने कस्टमर से कहता है मुझे माफ करना, कुछ जरूरी बात सामने आई है इसलिए आज की नीलामी यहीं पर बंद होती है। फिर वह जल्दी से एमसी के पास जाता है और उसे लिफ्ट लेता है। एमसी अपने मोबाइल में लिली के साथ चुनसी का लोकेशन देख रहा होता है और बताता है इस लोकेशन को फॉलो करो। झाओजू जल्दी से अपने कहता है कस कर बैठो। फिर झाओजू अपनी गाड़ी को तेजी से भगाते हुए एक ट्रक के सामने ले आता है। एमसी अपनी एबिलिटी से देखता है कि चुनसी उस ट्रक में होती है और वह बताता है झाओजू से जल्दी से इस कार को रोको। फिर तेजी से अपनी कार को भगाते हुए गाड़ी के सामने ले जाकर रोक देता है जिससे वह कार जाकर एक पेड़ से टकराती है। हम लोग देखते हैं अपना एमसी अपनी कार से उतरता है और उस कार से दो बॉडीगार्ड उतरते हैं। अपना एमसी अपने शॉट को लिए आगे बढ़ रहा होता है तभी वह दोनों अपने दोनों गन को निकालते हैं और फायर करने लगते हैं। अपना एमसी तेजी से आता है और उन दोनों को नॉक डाउन कर देता है अपने शॉट से। फिर हम लोग देखते हैं अपना एमसी उस वैन को खोल ही रहा होता है तभी उसके सामने से एक लाइट आती है और उस वैन में से एक बीम आकर अपने एमसी पर लगती है। एमसी थोड़ा पीछे चला जाता है और हम लोग देखते हैं उस वैन के पास थोड़ी आग भी लग जाती है। उस वैन में से दो लोग उतरते हैं और उन दोनों को देखकर अपना एमसी सोचता है यह कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं लग रहे, इनके पास स्पिरिचुअल पावर है, क्या इस दुनिया में भी अपने स्पिरिचुअल कल्टीवेटर हैं? फिर उन दोनों में से एक पर्सन कहता है तुम यंग दिखते हो, क्या तुम क्वेंजन सेक्ट में हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ जाते? अपना एमसी बताता है क्वेंजन सेक्ट मैंने उनके बारे में सुना है लेकिन वे कभी भी तुम दोनों की तरह असफल नहीं होंगे। और यह बात सुनकर के पीछे का एक पर्सन कहता है असफल सीनियर चलो बातें बंद करें और इस गंदे मुंह वाले बच्चे को मार डालें। फिर अपना एमसी कहता है तुम लोगों के पास अभी भी कुछ लिमिटेड स्किल है, जाओ जल्दी से अपनी ट्रेनिंग को कुछ और साल तक प्रैक्टिस करो। फिर उस पर्सन को आ जाता है गुस्सा और वह अटैक करने के लिए अपने रॉड को निकलता है और कहता है तुम मेरे सीनियर का डिसरिस्पेक्ट करने का साहस कर रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वह एमसी पर अटैक करने जा रहा होता है। एमसी भी अपने शॉट से उसके स्टिक पर अटैक करता है और उसे थोड़ा पीछे ढकेल देता है। हम लोग देखते हैं उसके स्टिक में एक दरार बन जाती है। हम लोग देखते हैं वह पर्सन अपनी स्टूप लिए हुए कहता है तुम मेरे वेपन को नष्ट करने का साहस कर रहे हो। तभी अपना एमसी उस पर अटैक करते हुए कहता है तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया। हम लोग देखते हैं एमसी के अटैक से उस बंदे का स्टिक वहां पर टूट जाता है। वह काफी गुस्से में आता है और कहता है मैं मार डालूंगा और अपनी फिस्ट से अटैक करने जा रहा होता है। अगले सीन में देखते हैं एक स्लैश को। फिर हम लोग देखते हैं उसका एक हाथ कट गया होता है और वह चिल्लाने लगता है मेरा हाथ। तभी हम लोग देखते हैं उसका दूसरा पर्सन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे चोट पहुंचाने की, और वह अपने अटैक को कर देता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हम लोग देखते हैं अपना एमसी उस दूसरे पर्सन को आगे पकड़े हुए खड़ा होता है जिससे सारा अटैक उसके ब्रदर पर लग जाता है और वह उसे फेंकते हुए कहता है यदि तुम कल्टीवेट करते हो तो तुम्हें मोटर रेलन में गंदे काम नहीं करने चाहिए, और ऐसा कहकर आगे बढ़ रहा होता है और कहता है तुम नोबेल कल्टीवेटर को यह करना किसने सिखाया। तभी वह पर्सन कहता है मैं तुम्हें आज मार डालूंगा और अपने अटैक को तैयार करने लगता है और हवा में उड़ जाता है। तभी हम लोग देखते हैं उसके पीछे से एमसी आता है और उसके सीने में शॉट धसाकर उसे मार देता है। वह पीछे हैरानी से देखता है और नीचे गिर रहा होता है और कहता है मेरी बहन मेरी सिस्टर तुमसे बदला लेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना एमसी वैन के पास जाता है। हम लोग देखते हैं उस वैन में चुनसी होती है। अपना मेन कैरेक्टर उसके गालों पर हल्के हल्के हाथों से मारता है और उसे जगाता है। चुनसी वहां पर जागती है और कहती है चूकिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमें अब जाना होगा। वह दोनों सीनियर थे जिन्हें मैं भी टच नहीं कर सकती। तभी अपना एमसी उसे हक कर लेता है और कहता है डरो मत अब सब कुछ ठीक है। चुनसी देखती है कि वहाँ पर वह दोनों सीनियर मरे पड़े होते हैं। अपना एमसी बताता है और तुमको किसने किडनैप करने की कोशिश की? चुनसी बताती है मुझे लगता है कि यह ली परिवार है, हमारे बीच अच्छे संबंध नहीं है, हाल ही में उन्होंने आधारित तौर पर एक युद्ध शुरू किया है लेकिन हर बार जब हम लड़ते हैं तो कुछ मास्टर उनकी मदद के लिए सामने आते हैं और हमें पीछे हटने पर मजबूर करते हैं। अपना एमसी सोचता है कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ली परिवार हाल ही में आगे बढ़ रहा है, उनके गहरे पहाड़ों में जो लोग होते हैं उनके साथ कुछ समझौता हुआ होगा। चुनसी बताती है वह लोग काफी पावरफुल होते थे और उनके द्वारा की गई किसी भी चाल को समझने का कोई तरीका नहीं था। तभी अपना एमसी बताता है ठीक है मैं समझ रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि स्थिति आपके परिवार के लिए अच्छी नहीं लग रही है। चुनसी बताती है केवल इतना ही नहीं बल्कि बहुत से छोटे परिवार भी हमारे लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। अपना एमसी बताता है क्या इसका मतलब यह है कि यह दो दिनों में होने
वाली नीलामी से संबंधित है। शायद यही कारण है कि प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार हाल ही में इतना सक्रिय रहा है। दुर्लभ खजाने के प्रकट होने की बहुत अधिक संभावना है, चुनसी बताती है। यह समझ में आता है उन्होंने अदर परिवारों को समाचार प्राप्त करने से रोकने की कोशिश की होगी ताकि हम इसके लिए तैयार ना हो सके। फिर चुनसी अपने मेन कैरेक्टर के गले लग जाती है और बताती है, चुकिंग तुम सचमुच में मेरे लिए लकी स्टार हो। चुनसी बताती है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगे? मैं अपनी माँ को बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ और मुझे यकीन है कि मेरी माँ तुमको धन्यवाद देना चाहेंगी। अपना एमसी उसके घर पर अपना हाथ फिरता और कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। अगला सीन हम लोग चुनसी की माँ को देखते हैं। वहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर और चुनसी आते हैं। चुनसी की माँ बताती है, चुकिंग आओ और बैठो। तभी वहाँ पर एक लेडीज कहती है, रुको। चुनसी की माँ कहती है, बिग सिस्टर क्या हुआ? वह लेडीज कहती है, हमारे सीक्रेट मीटिंग में किसी बाहरी व्यक्ति को आने देना यह उचित नहीं है और कहने की जरूरत नहीं है, वह एक लड़का है। मेन कैरेक्टर वहाँ पर कुछ नहीं बोलता और शांति से खड़ा रहता है और बताता है, मैं यहाँ आपके सीक्रेट मीटिंग में भाग लेने के लिए नहीं आया हूँ। तभी चुनसी की माँ वहाँ पर अपने मन में सोच रही होती है, चुकिंग लापरवाह है, मैं इस अवसर का यूज चुनसी के साथ उसकी शादी तय करने के लिए करना चाहती थी लेकिन मौका अब खो गया। तभी अपना मेन कैरेक्टर अपने हाथ से स्पिरिचुअल स्टोन निकालता है और बताता है, मैं यहाँ बिजनेस के बारे में बात करने आया हूँ। फिर वह स्टोन उस लेडीज को दे देता है और कहता है, इस पर एक नजर डालो। वह लड़की कहती है, यह तो एक नॉर्मल सा स्टोन है। चुनसी की माँ कहती है, यह क्या है, इसका यूज क्या है? अपना एमसी बताता है, मैंने इसे स्वयं बनाया, यह एक स्पिरिचुअल स्टोन है, यह आपके कल्टीवेशन को बढ़ाने में महसूस करेगा, बस इसे अपने हाथ में पकड़ो और इसे अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करो। तभी वह जैसा जैसा एमसी बता रहा था वैसे वैसे कल्टीवेशन करने लगती है और हम लोग देखते हैं चुनसी की माँ के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिससे देखकर चुनसी की आंटी और चुनसी और वह लड़की दोनों हैरान हो जाती हैं। चुनसी की माँ बताती है, चुकिंग अभी तुम्हारे पास कितना है? जब तक कीमत सही है हमें इसका हर टुकड़ा चाहिए। अपना एमसी बताता है, यह बेचने के लिए नहीं है, मेरा मतलब सीधे तौर पर नहीं। वहाँ पर वह लेडीज बताती है, तुम क्या खिलवाड़ कर रहे हो? एमसी बताता है, मुझे मेरी बात खत्म करने दो, दो दिन बाद नीलामी होगी और वहाँ पर स्टोन की असली कीमत तय की जाएगी, इसलिए आप उन्हें खरीदना चाहते हैं तो आप किसी भी समय मेरे पास आ सकते हैं और मैं आपके साथ अपने रिश्ते को ध्यान में रखते हुए मैं छूट दूंगा। और जहाँ तक मेरा यहाँ आने का मतलब है या कोई और कारण है, मैं यहाँ कुछ और देना चाहता हूँ जो मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। एक तालिस्मान जो मैंने बनाया है, एक प्रोटेक्शन देता है और दूसरा जो आपके कॉम्बैट स्किल को बढ़ा देता है। वह लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, कॉम्बैट स्किल को बढ़ा देता है, यह कितना बढ़ाता है? अपना एमसी बताता है, 30%। चुनसी की माँ बताती है, तुम्हें कितना समय चाहिए और कीमत क्या है? एमसी बताता है, तालिस्मान बनाना काफी आसान है, मुझे केवल कुछ दिनों की आवश्यकता है और यह लाभ के लिए नहीं है, इसीलिए आप कीमत निर्धारित कर सकते हैं, मतलब आप जो कीमत देंगे मैं उन्हीं कीमत में आपको बेचूंगा। और हालांकि आपको एक या दो हफ्ते तक इंतजार करना होगा, एक और दो हफ्ते में मैं पहला बैच भेज दूंगा और हम कीमत बाद में निर्धारित कर लेंगे। उसकी आंटी बताती है, तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? अपना एमसी बताता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि चैंसी मेरी दोस्त है। और वहाँ पर चैंसी ब्लश करने लगती है। फिर कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, अपना मेन कैरेक्टर हंस चैंसी एक जगह होते हैं। चैंसी बताती है, मैं शुरुआत में तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रही थी लेकिन इससे पहले मुझे इसका एहसास होता, हम दोस्त बन गए और जब भी मेरे परिवार पर कोई भी मुसीबत आती है तो तुम हमारी और हमारे परिवार की मदद करते हो। अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ मेरा जीवन इतना इंटरेस्टिंग होगा, नीलामी के बाद मेरा नाम फैल जाएगा और मैं खुद का एक सेटअप तैयार करूंगा और यहाँ पर एक बिजनेस भी। उसके बाद हम उसके घर का सीन देखते हैं। अपने एमसी घर पर आता है और कहता है, मॉम डैड मैं वापस आ गया। वह देखता है कि वहाँ पर एक और लेडीज होती है। वह लेडीज कहती है, क्या तुम चुकिंग हो? मैं तुम्हारी दूसरी आंट हूँ। चुकिंग कहता है, हेलो सेकंड आंट। और अपने मन में सोचता है, यह कैसे हो गया, मैंने पहले किसी भी रिश्तेदार के बारे में नहीं सुना। वह लेडीज बताती है, मैं तुम्हारे अरेंज मैरिज के लिए यहाँ बात करने के लिए आई हूँ। अपना मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या अरेंज मैरिज? अभी तो मैं 17 साल का ही हुआ हूँ, अभी तो कानूनी एज भी नहीं हुई है। अपना एमसी कहता है, सेकंड आंट मैं अभी भी कॉलेज में हूँ और मैं ग्रेजुएशन तक शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। उसकी आंट कहती है, कॉलेज, तुम जैसे छोटे लड़के का कॉलेज जाना पैसों की बर्बादी है। एमसी अपने मन में सोचता है, मेरी दुनिया में लड़कियों की तुलना में लड़कों
को अधिक पसंद करता है, लेकिन यहाँ इसका उल्टा है। उसकी सेकेंड आदमी बताती है चू जियाओ कहाँ है, क्या वह अपना पोस्ट गार्ड कर रही है। उसकी माँ बोलती है नहीं, वह घर पर है। अपना एमसी सोचता है वह शायद कल देर रात तक वापस आई थी और अभी तक बिस्तर पर है। उसकी सेकेंड आदमी कहती है तुम सभी वैसे ही हो जैसे तुम्हारे मॉम डैड थे, जैसा माँ वैसा बेटा। और यह सुनने के बाद उसका डैड कहता है मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। वह देखता है कि उसका डैड काफी उदास होता है तो एमसी को गुस्सा आता है और कहता है अपने मन में वह गंदे मुंह वाली औरत। तभी हम लोग देखते हैं उसके पास एक कप आकर गिरती है और वहाँ पर फूट जाती है। तभी हम लोग देखते हैं यह कप एमसी की तरफ से आया था। एमसी बताता है मुझे माफ करना, मैंने अभी मेज पर एक मक्खी देखी और वह बहुत अनुइंग थी। उसकी आंट कहती है ऐसा लगता है जैसे मुझे यहाँ पर किसी ने इन्वाइट नहीं किया है, मैं जा रही हूँ। लेकिन तुमको अपने परिवार की एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, कम से कम कुछ इज्जत तो दिखानी चाहिए दूसरों के प्रति। फिर उसकी आंट वहाँ से जा रही होती है, तभी बताती है और तुम चुकिंग अपने शेष कॉलेज के दिनों का आनंद लो क्योंकि जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी। चुकिंग बताता है मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं। उसकी आंट बताती है निर्णय लेना तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुमको बस किसी अमीर महिला से शादी करनी है और अपने परिवार का भविष्य आरामदायक बनाना है। वह कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी तरह सस्ता नहीं हूँ। और यह सुनने के बाद उसकी आंट वहाँ पर गुस्से में आ जाती है। तभी अपना एमसी बोलता है तुम यदि तुम्हें स्वयं को बेचना बहुत पसंद है तो अपना वह पैर क्यों नहीं बेच देते, आपके अनुसार यह कितना यूजफुल है। उसकी आंट बताती है सिस्टर तुम्हें अपने बेटे को किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। पता नहीं उसके मन में इतने बुरे विचार कहाँ से आ गए। उसकी माँ भी चुकिंग पे चिल्लाती है तो चुकिंग वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और अपने डोर को बंद कर लेता है। उसके बाद कुछ देर बाद वह चुनसी को कॉल लगाता है और कहता है मेरे पास पूछने के लिए एक क्वेश्चन है। उसके कुछ देर बाद हम उसी आंट को किसी बार में देखते हैं दो लड़कों के साथ। तभी वहाँ पर एक लेडीज आती है और जो कि फोन पर बात कर रही होती है और बताती है मैंने उसे ढूंढ लिया है, आपको उसके कौन से पैर चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं वह चुनसी से बात कर रही होती है। चुनसी बताती है यदि तुम लोग हो वहाँ पर तो उसका एक किडनी मुझे लाकर दो। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कुछ आर्टिफैक्ट तैयार कर रहा होता है। वह एक आर्टिफैक्ट को लेता है और बताता है जिनमें सिचुएशन अधिक स्थिर हो गई है और मेरी माँ का बद हमारे लिए समस्या पैदा कर रहा है। लकीली मेरे पास अपने दोस्तों और परिवार के लिए कुछ प्रोटेक्शन आर्टिफैक्ट बनाने का अभी भी समय है। फिर वह वहाँ पर उस आर्टिफैक्ट को बनाने लगता है और कुछ ही देर बाद वह आर्टिफैक्ट को बना लेता है पूरी तरीके से। फिर वह अपने मन में सोचता है जूयू द्वारा दिए गए जेट पेंडेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें एक प्रोटेक्शन डिफेंस स्वॉर्ड भी रखा जा सकता है और मुझे जब भी उस पर अटैक होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि किस पर अटैक हो रहा है। फिर वह उस जेट पेंडेंट को बना लेता है। फिर अगले दिन का सीन देखते हैं उसके मोम डैड और वो नाश्ता कर रहे होते हैं। उसके डैड बताते हैं जियाओ किंग तुम्हें अब से कठिन स्टडी करना होगा। अपना एमसी वहाँ पर शांति से रहता है और कुछ देर बाद बताता है मैं समझता हूँ डैड आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, माँ के परिवार के साथ का मामला मैं उन्हें वापस भुगतान कर दूंगा। उसका डैड बताता है तुमको हमारे लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है जब तक तुम खुश हो। एमसी बताता है अरे हाँ मेरे पास कुछ है, मैंने कुछ तैयार किया है। फिर वह उन सभी जेड को निकालता है और बताता है यह दोनों आप दोनों के लिए और एक सिस्टर के लिए। उसके मोम और डैड वह जेड ले लेते हैं और उसके डैड अपने हाथ में लेते हैं और बताते हैं बेटे तुम्हें यह पेंडेंट कहाँ से मिला, यह बहुत गर्म और आरामदायक महसूस होता है। एमसी बताता है मुझे यह एक मंदिर से मिला, निसंदेह वे अच्छे होंगे। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग एमसी को उसके क्लास में देखते हैं। एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कई दिनों से मैंने आर्टिफैक्ट को बनाने में बर्बाद कर दिया इसलिए इस मॉडल बॉडी पर काफी दबाव पड़ा है और वह वहाँ पर सो रहा होता है। पीछे से हम देखते हैं वह लड़की बता रही होती है चुकिंग उठ जाओ हम क्लास में है। फिर हम लोग देखते हैं उस लड़की के बगल से टीचर जाती है तो वह लड़की डर जाती है। फिर वह टीचर डायरेक्ट अपनी एमसी के डेस्क पर जाती है और बताती है चुकिंग क्या तुम यहाँ पर सो रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें अच्छी नींद आई होगी तो जाओ और उस बोर्ड पे लिखे क्वेश्चन का उत्तर दो। अपना मेन कैरेक्टर घबराते उस बोर्ड के पास जाता है और कहता है इसे कैसे सुलझाओ मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उसे उस लड़की के द्वारा कही गई बातें याद आती है और बताता है मुझे सॉन्ग ने पहले इसे सिखाया था। फिर अपना एमसी जल्दी जल्दी उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है और कहता है मैंने कर दिखाया। टीचर सोचती है उसने कैसे किया। तभी पीछे के लड़के कहते हैं वह बहुत तेज था और वह उसके सारे क्वेश्चन सही हैं। यह सारी बातें टीचर भी सुन रही होती है। टीचर बताती है भले ही तुमने पहले से तैयारी की हो तुम क्लास में सो नहीं सकते समझ गए। अपना मेन कैरेक्टर सोचता है मेरे पिछले जीवन में मैं एक फेल स्टूडेंट था, मेरे साथ किसी ने भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। तभी टीचर बताती है चुकिंग तुम्हारा यहाँ पर कोई रोल नहीं है तो क्या मैं तुम्हें क्लास का रिप्रेजेंटेटिव
ट्यूब बना दूं अपना, एमसी कहता है टीचर मुझे लगता है। तभी टीचर बताती है क्या तुमको कोई परेशानी है? अपना एमसी बताता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। फिर कुछ देर बाद अपने एमसी को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक आर्टिफैक्ट बना रहा होता है और अपने मन में सोचता है बेहतर होगा कि मैं तालिस्मान बनाना शुरू कर दूं जिनका मैंने अपने परिवार के लिए वादा किया था। फिर वह बताता है यह तालिस्मान पहनने वाले के लिए एक अटैक को रोक सकता है और इसकी प्रोटेक्शन लगभग 30,000 है। मुझे आश्चर्य है कि मैं इतने कम समय में कितना कमा सकता हूँ। तभी उसके पीछे से उसका मोटा दोस्त आता है और बताता है सोना बंद करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिसके कारण उसका कॉन्सेंट्रेट हट जाता है और उसका आर्टिफैक्ट फट जाता है और वहाँ पर धुआं हो जाता है। उसका मोटा दोस्त बताता है जो कि क्या तुम क्लास में आग से खेल रहे हो? अपना एमसी सोचता है यह टूट गया लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी थी। तभी अपना एमसी बताता है यह ले लो, यह तुम्हारा मुश्किल समय में प्रोटेक्शन देगा, लेकिन यह बात किसी को बताना मत। उसका मोटा दोस्त ले लेता और कहता है वाओ एक वुडन लकड़ी की स्वॉर्ड जो मेरी प्रोटेक्शन करेगी, ब्रदर मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। तभी उसका मोटा दोस्त एक कोको कोला की बोतल देता है जो कि आधी भरी होती है। यह देखकर अपने एमसी को गुस्सा आता है और उसका कान पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आधी कोको कोला की बोतल देने की? तभी उसका मोटा दोस्त कहता है आउच ब्रदर चू मुझे माफ करना, मेरे पास कुछ और बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। अपना एमसी उसके कान को छोड़ता है और कहता है यह क्या बात है? मोटा बताता है 2 दिन बाद स्कूल में एक स्पोर्ट इवेंट है, क्या तुम वहाँ शामिल हो रहे हो? आखिरकार तुमने कैंपस के किंग को हरा दिया है। अपना एमसी कहता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं बिजी हूँ। उसका मोटा फ्रेंड बोलता है तुम्हारे गेम को पहले ही वीडियो बनाकर वेब पर डाल दिया गया है, इसलिए यदि तुम मना भी करोगे तो भी क्लास टीचर तुमको खेल में ज्वाइन करने के लिए मजबूर करेंगी। साथ ही में हम पहले से ही अपने हाई स्कूल के लास्ट ईयर में हैं, क्या तुम आखिरी बार कुछ अच्छी यादें नहीं छोड़ना चाहते हो? अपना एमसी सोचता है यह सही बात है, अब जब मैं अपने हाई स्कूल के दिनों में वापस आया हूँ तो मुझे कम से कम अभी इस जीवन का आनंद लेना चाहिए। अपना एमसी कहता है यदि तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है मैं खेलूंगा। उसका मोटा दोस्त कहता है हाँ मैं अपने रिवॉर्ड का दावा कर सकता हूँ। तभी अपना एमसी बताता है क्या तुमने किसी से शर्त लगाई है? उसका मोटा फ्रेंड कहता है नहीं नहीं बिल्कुल। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक लेडीज आ रही होती है जो कि काफी खूबसूरत होती है। वहाँ के आसपास लोग कहते हैं वह तो स्कूल की आइडल है जो कि सिंगिंग और पियानो बजाने में बहुत अच्छी है, वह कितनी सुंदर है। तभी वह अपने मेन कैरेक्टर के पास आती है और कहती है चूंकि काफी समय से देखा नहीं। अपना एमसी कहता है काफी समय हो गया। वह लड़की आती है और बताती है तुम हाल ही में काफी फेमस हुए हो, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने ग्राउंड में जियान को हराया है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अपना एमसी बताता है ऐसा हुआ है कि उस दिन मैं काफी कॉन्फिडेंट था। तभी वह लेडीज बताती है हमारे मिडिल स्कूल के दोस्त के साथ एक गैदरिंग इवेंट है, तुम गेस कर सकते हो कि वहाँ का होस्ट कौन है? अपना एमसी सोचता है और बताता है जाओ। वह लड़की हैरान हो जाती है और कहती है हे भगवान तुम्हें कैसे पता चला? अपना एमसी गुस्से में आता है और बताता है वह व्यक्ति है जो सुर्खियों में रहना सबसे ज्यादा पसंद करता है, उसके अलावा इस इवेंट को कौन होस्ट करेगा? वह लड़की बताती है तुम जाना चाहते हो, आपके बिना वहाँ जाना या काफी बोरिंग है, साथ ही में कुछ दोस्त तुमको याद करते हैं। अपना एमसी बताता है तुम्हारे कहने पर मैं कैसे ना जा सकता हूँ, मैं भी जाऊंगा। वह लड़की कहती है तब यह तय हो गया मैं तुम्हें फोन करूंगी। फिर वह लेडीज अपनी मेन कैरेक्टर को पिंच काटती है और बताती है जितना अधिक मैं तुम्हें देखती हूँ तुम उतने ही सुंदर लगते हो, शायद इसीलिए जियान तुम्हारे लिए पागल हो गई। फिर वह लड़की वहाँ से जाती है। अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है यह लड़की कब इतना परेशान करने लगी, उसने मुझे इस तरह छेड़ने की हिम्मत की? तभी वहाँ पर उसका मोटा दोस्त कहता है ब्रदर चू तुम इतने करीब कब आ गए? अपना मेन कैरेक्टर बताता है हम एक ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, उस चेहरे में ऐसा क्या है? उसका मोटा फ्रेंड बताता है वह मेरी गॉडेस है ब्रदर चू, नहीं डैडी डैडी चू, तुमको मेरे लिए उसके ऑटोग्राफ लेना होगा। अपना मेन कैरेक्टर उसे हटाते हुए कहता है फिर तुम्हें इसे खुद लेना चाहिए। उसका मोटा फ्रेंड बोलता है मैं उससे बात भी नहीं कर सकता, वह मेरी गॉडेस है, क्या तुम मुझे समझते हो? अगर हम सिर्फ एक दिन के लिए एक साथ रह पाते मैं बेहोश हो जाऊंगा। अपना एमसी कहता है तुम कावड़ हो। अपना एमसी वहाँ से जाते हुए बताता है मुझे कुछ करना है, बाद में मिलते हैं। फिर वह जियान के पास आ जाता है जो कि कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रही होती है और अपना एमसी आता है और बताता है होमवर्क कर रही हो। जियान भी उसे देखती है और बताती है ब्लश करते हुए हाँ मैंने अपने पूरे दोपहर इस क्वेश्चन को हल करने
सामने में बिता दिया। अपना एमसी उस क्वेश्चन को देखता है और बताता है, मैं तुमको सिखाऊं, और अपने मन में सोचता है वह क्वेश्चन है जिसे मैंने क्लास में सॉल्व किया था। फिर उसे वह क्वेश्चन सॉल्व करने लगता है और पीछे से कुछ लड़कियां भी देख रही होती है। जियान बताती है, तुम्हारी बीती को समझना आसान है। अपना एमसी देखता है उसके आसपास बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो वह बताता है अभी इसका समय नहीं है। फिर वह उठता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर वह लोग कहीं पर आ जाते हैं। अपना एमसी बताता है, यह तुम्हारे लिए है, इसे हर समय पहने रखना। जियान उसे देखती है और अपने मन में सोचती है, यह जेड, इसमें निश्चित रूप से कुछ और भी है। तभी जियान बताती है, यह काफी एक्सपेंसिव लग रहा है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अपना एमसी बताता है, मेरी बात सुनो, इसे ले लो, यह अपने मैजिक से तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा, मुझ पर भरोसा रखो। जियान उसे देख रही होती है और बताती है, थैंक यू। फिर कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। अपना एमसी अपनी क्लास में होता है और बताता है, अब मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं है, बेहतर होगा कि मैं घंटी बजने से इनमें से 30 बना लूं। फिर वहां पर रिंग बज जाती है और हम लोग देखते हैं उसके बैग में काफी सारे आर्टिफैक्ट बन गए होते हैं। अपना एमसी सोच रहा होता है, मुझे अब चैंसी से मिलने जाना होगा और देखूंगा कि वह क्या कीमत पेश करती है। तभी हम लोग देखते हैं उसके कंधे पर एक हाथ आता है और हम लोग देखते हैं यह का दोस्त होता है और बताता है, तुम आज रात हमारे साथ घूमने जाना चाहते हो। अपना एमसी पूछता है, कहाँ? मोटा दोस्त बताता है, यह एक रोमांचक जगह है, मैं वादा करता हूँ। और हम लोग देखते हैं अपना एमसी अपने मोटे दोस्त से कहता है, नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, अगली बार मिलते हैं। फिर वह ऐसा कहकर वहां से जाने लगता है। फिर अगले सीन में हम लोग चुनसी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर आया होता है। तभी चुनसी उसे गले लगा लेती है। फिर वह गले लगाते हुए कहती है, आखिरकार तुम आ गए, मैं यहाँ पर बोर हो रही थी। तभी चुनसी को वहाँ पर स्मेल आती है और वह गुस्से में आ जाती है थोड़ी थोड़ी और पूछती है, यह स्मेल क्या है? क्या तुम बाहर किसी और लड़की के साथ थे? तभी अपना मेन कैरेक्टर बताता है, नहीं नहीं, मेरे पास उसके लिए समय नहीं है, मैं यहाँ बिजनेस के लिए आया हूँ। फिर वह अपना एमसी अपने जेट को दिखाते हुए कहता है, यह तुम्हारे लिए है और यह बिल्कुल फ्री है। अपनी चुनसी उसे लेती है और हैरान हो रही होती है। तभी अपना एमसी यानी मेन कैरेक्टर अपनी ओर एक कप चुनसी की ओर फेंकता है। तभी हम लोग देखते हैं जो मेन कैरेक्टर ने चुनसी को वह आर्टिफैक्ट दी होती है वह अचानक एक्टिवेट हो जाता है और चुनसी के सामने एक बैरियर आ जाता है जिससे चुनसी बच जाती है। चुनसी फिर आँख खोलकर देखती है। तभी अपना मेन कैरेक्टर उसके पास आ जाता है और बताता है, यह तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है, यह ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। यह सारी बातें सुनकर चुनसी थोड़ा खुश होती है और अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर कूद जाती है और कहती है, तुम बहुत अच्छे हो। तभी अपनी चुनसी बताती है, ऐसा मत सोचना, यह तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, लेकिन अगर मैंने दोबारा तुम्हें किसी और लड़की के साथ घूमते देखा तो अच्छा नहीं होगा। अपना मेन कैरेक्टर चुनसी के गालों पर हाथ रखता है और उसे फिर बेड पर लेटा देता है और बताता है, ठीक है ठीक है, मेरा काम कहीं और है, लेकिन चिंता मत करो, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। फिर वहां से सीन चेंज होता है और हम लोग लीली के घर में देखते हैं, जहां पर अपना एमसी आया होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, उसने बिना दरवाजा बंद किए ही सो गई। फिर हम लोग लीली को देखते हैं जो कि सो रही होती है और शायद से कोई बुरा सपना देख रही होती है। अपना मेन कैरेक्टर उसके पास जाता है और बताता है, क्या तुम कोई बुरा सपना देख रही हो? अपनी लीली उठती है और देखती है अपने मेन कैरेक्टर को, फिर उसके गले लग जाती है और कहती है, मैंने अपनी माँ को फिर से देखा, उन्होंने फिर से मेरे डैड को छोड़ दिया है। और ऐसा कहकर अपने मेन कैरेक्टर के गले लग जाती है। लीली बता रही होती है अपने एमसी से, क्या तुम भी मेरी माँ की तरह मुझे छोड़ दोगे? तुम ऐसे क्यों चले गए थे? मैं बहुत डर गई थी, तुम अचानक से चले गए थे। अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, शायद एक दिन मुझे अपनी दुनिया में वापस लौटना होगा। फिर अपना एमसी बताता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और उसके सर को सहलाने लगता है। तभी लीली बताती, हाँ, तुम हिम्मत नहीं करोगे, अगर तुमने हिम्मत की तो मैं तुम्हें काट काट कर तुम्हें मार डालूंगी। फिर वह उसके ऊपर चढ़ जाती है। फिर वहां से कुछ देर बाद का सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर अपने कपड़ों को पहन रहा होता है और अपने मन में सोच हो रहा होता है, बेहतर होगा कि मैं घर पर चला जाऊं, मेरे डैड को अगर पता चला कि मैं थोड़ा दूर आया हूं तो वह चिंता करेंगे। फिर वह अपने फोन को उठा ही रहा होता है, तभी वह गलती से लीली के कंप्यूटर को ऑन कर देता है जिसमें उसे कुछ दिखाई देता है और वह देखकर हैरान हो जाता है। फिर वह चेक करने लगता है तो उसमें कुछ प्राचीन मार्शल आर्ट परिवारों के लिए कुछ जानकारियां होती हैं, जिसे देखकर अपना एमसी लीली की ओर देखता है और अपने मन में सोचता है, अच्छा, उसने खुद गई और यह सारी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए इकट्ठा की। फिर वह लीली के पास उस जेट पेंडेंट को रख देता है और उसके गालों पर एक किस करता है। फिर वहां से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर मार्केट में घूम रहा होता है। तभी उसके पास उसके डैड का कॉल आता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है, हेलो डैड,
डैड। तभी उसका डैड कहता है, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हारी मोम को तुम्हें लेने के लिए भेजा है। अपना एमसी बताता है, मैं मार्केट में हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद उसकी मोम आ जाती है। अपना एमसी अपनी मोम की कार में बैठते हुए कहता है, माँ आप बहुत तेज हो। उसकी मोम बताती है, मैं पास ही में थी। उसकी मोम पूछती है, अब बेटा बताओ तुम कहाँ थे? मुझे तुम्हारे ऊपर से लड़कियों के परफ्यूम की सुगंध आ रही है। अपना एमसी बहाना बनाते हुए कहता है, मैं अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया था और वहाँ पर हर कोई था। फिर अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, दुनिया चाहे कोई भी हो, लड़कियों का सिक्स सेंस काफी स्ट्रांग होता है, यह काफी डराने वाला है। उसकी मोम बताती है, ठीक है बर्थडे पार्टी, लेकिन तुम अकेले लड़कियों के साथ नहीं जा सकते, समझ गए? फिर वह सिगरेट को निकालने रखती है और पीने लगती है। तभी अपना एमसी बताता है, मैं समझता हूँ, मुझे लगा कि आपने सिगरेट पीना बंद कर दिया है। तभी उसकी माँ बताती है, मैं तुम्हारे ऊपर से इस लड़की के परफ्यूम को ढकने की कोशिश कर रही हूँ। फिर वह अपने सिगरेट से अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर समझ लो धुआं छोड़ रही होती है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है, ध्यान से। तभी अपने एमसी के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। हम लोग देखते हैं एमसी के मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता होता है, 1.2 मिलियन उसके अकाउंट में रिसीव हुए हैं। अपना एमसी सोच रहा होता है, चुनसी के परिवार ने कुछ तालिस्मान को बनाने के लिए मुझे 1.2 मिलियन दिए हैं, अगर मैं एलेक्सर को बनाता हूँ तो मैं काफी जल्दी काफी अमीर हो जाऊंगा। फिर हम लोग अगला सीन देखते हैं, एमसी और एमसी की मोम घर पर आ गई होती है। एमसी की मोम धीरे धीरे बता रही होती है, अगर तुम अपने डैड को फिर से धूमपान करते देखते हो तो मुझे बताना। अपना एमसी कहता, हाँ समझ गया, मैं तुम्हारी तरफ हूँ माँ। फिर हम लोग देखते हैं अपना एमसी मैसेज करता है यू को, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है, क्या तुम फ्री हो? यू बताता है, मैं फ्री हूँ। फिर हम लोग कुआं से कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, एमसी और यू एक टेबल पर अपना खाना खा रहे होते हैं। तभी एमसी उसे वह जेट टोकन देता है। यू बताता है, ब्रदर यह बहुत बड़ा खजाना है, क्या तुम सचमुच इतना कीमती चीज मुझे देना चाहते हो? अपना एमसी बताता है, इसे लेकर परेशान मत हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता है, इसलिए इस तरह का रिएक्ट मत करो। यू बताता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे बारे में भी जांच कर रहे हो, थैंक यू ब्रदर इसे देने के लिए। फिर वह लोग वहाँ पर वाइन को पीने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं यू थोड़ा नशे में आ जाता है और बताता है, सच कहूँ तो यह पहली बार है जब कोई मेरे साथ अपनी दिल खोल कर बातें कर रहा है, क्योंकि मैं भी एक दोस्त बनाना चाहता हूँ। अपने एमसी पूछता है, क्या सोचकर तुम यह कह रहे हो? फिर यू बताता है, मैं अपने डैड के साथ बड़ा हुआ हूँ और तब हम केवल एक दूसरे के पास थे, मिडिल स्कूल तक उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मेरी मॉम एक पावरफुल फैमिली का हिस्सा है। कुछ समय बाद मुझे मेरी माँ के पास ले जाया गया, अमीरों के एक स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया। वहाँ के स्टूडेंट मुझे बुली करते थे और मुझे रिडिकुलस नजरों से देखा करते थे। फिर यू बताता है, क्या तुम उस फीलिंग को जानते हो, उन्होंने मुझे किस प्रकार से बुली किया है? फिर यू बताता है, पिछले 2 सालों में मैंने खुद को काफी अच्छे से साबित किया है, लेकिन फिर भी वह लोग मुझे रिडिकुलस नजरों से ही देखा करते हैं। फिर अपना एमसी बताता है, मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई कंफर्टेबल लाइफ भी तो नहीं है। फिर अपना एमसी अपनी फैमिली के बारे में बता रहा होता है। अपना एमसी बताता है, मेरी मॉम भी एक पावरफुल फैमिली से है, उनका परिवार मेरे डैड को पसंद नहीं करता था, इसलिए वह लोग भाग कर शादी किए थे। फिर अपना एमसी बताता है, और हाल ही में उन लोगों ने मेरे मॉम डैड के पास आए और मेरी शादी जबरदस्ती एक अमीर लड़की से कराने का दबाव डाल रहे हैं, और वह लड़की का वजन कम से कम 200 किलो का है। और यह सुनने के बाद अपने यू के मुंह से उसकी वाइन निकल जाती है और वह हंसने लगता है और हंसते हंसते बोलता है, मुझे माफ करना, मैं रोक नहीं सकता। अपने एमसी बताता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो। फिर यू बताता है, मैं आज बहुत खुश हूँ, चलो रात भर पीते हैं, जब तक हम दोनों नशे में नहीं आ जाते हैं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फिर वह दोनों अपने बोतल को टकराते हैं और कहते हैं चेस। इस सीन में हम लोग देखते हैं अपना एमसी अपने घर की तरफ जा रहा होता है और वह काफी नफसे में होता है। हम लोग देखते हैं उसके घर के बाहर उसकी बहन भी होती है। तभी अपना एमसी उसे पीछे से आता है और उसके कंधों पर हाथ रखता है, जिससे उसकी सिस्टर थोड़ा डर जाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है। तभी अपना एमसी उसके मुंह को बंद कर लेता है और कहता है, तुम ऐसे मॉम डैड को बता दोगी? अब तभी अपना एमसी अपने हाथ को छोड़ता है। उसकी सिस्टर बताती है, तुम कैसे हो? तुम्हारे जैसा एक लड़का आधी रात को कैसे शराब पीकर आ सकता है? तुम्हारी शादी के बारे में क्या? तभी हम लोग देखते हैं उसकी सिस्टर को कुछ
होता है और वह वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अपने एमसी उसे संभालता है, फिर उसे अंदर लाता है और बेड पर सुला देता है। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी पर भी शराब का असर होने लगता है और उसका सर दर्द करने लगता है और उसे नशा चढ़ने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं अपना एमसी भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर अपना एमसी अपने सपनों में सोच रहा होता है, यह क्या है, यह मेरे हाथ में कुछ अच्छा लग रहा है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर उसकी सिस्टर होती है, रियल वाली नहीं है इसलिए ऐसा हो सकता है, और उसकी सिस्टर बताती है जियाओ फैन, यहाँ आओ, इतना मत शर्माओ। तभी अपना एमसी अपनी आंखों को खोलता है और देखता है जियाओ फैन कौन है। तभी हम लोग देखते हैं वह लड़की उसे किस करने जा रही होती है। अपना जियाओ फैन अपनी कंडीशन को देखता है और काफी हैरान हो जाता है और उठता है और अपने मन में सोचता है नहीं नहीं आज के बाद तो कभी नहीं शराब पीऊंगा, कभी नहीं। और उसके बाद अगला दिन हो जाता है और हम लोग देखते हैं अपना एमसी किसी शॉपिंग मॉल में आया होता है और नए नए ड्रेसेस को ट्राई कर रहा होता है। पीछे जो सेल्स लड़की होती है, सेल्स गर्ल, वह बताती है यह आपके ऊपर काफी सूट कर रहा है, आपका चार्म काफी बेस्ट है। और फिर अपना एमसी वहाँ से जाते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि मैंने जिन जिन ड्रेस को अभी ट्राई किया है उन सभी को पैक कर दूं, मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। फिर अपना एमसी वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने मन में सोचता है रियूनियन पार्टी के लिए मैंने कपड़े खरीद लिए हैं, अब मुझे एक कार की जरूरत है ताकि मुझे झाओ यू को दोबारा परेशान ना करना पड़े, ऐसा सोचते हुए अपना एमसी जा रहा होता है। तभी पीछे से उसे कोई आवाज देता है, कहता है क्या चुकिंग। तभी वह पीछे देखता है और वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि बताता है क्या तुम अपने पुराने इस क्लासमेट को नहीं पहचान सकते। तभी अपना एमसी बताता है झाओ बुकिंग बताता है क्या इंटरेस्टिंग बात है, क्या तुम यहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे। फिर वह बताता है मैंने आज रात क्लासमेट रियूनियन पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है, क्या तुम वहाँ पर आना चाहते हो। अपना एमसी बताता है डेफिनेटली मैं वहाँ पर आऊंगा, लिन वेनर ने 2 दिन पहले मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। बुकिंग बताता है वेनर ने तुम्हें पर्सनली इनवाइट किया है। फिर बुकिंग वहाँ से जाने लगता है और कुछ गुस्से में भी होता है। अपना एमसी कुछ सोचता है, फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग उसके पास्ट का सीन देखते हैं, मतलब पिछले जिंदगी में वहाँ पर बुकिंग ने इसे बुली किया होता है जिससे इसे काफी लोगों ने परेशान किया होता है। 2 लोग बात कर रहे होते हैं अपने एमसी के बारे में। वह एक लड़का बता रहा होता है मैंने सुना है कि वह अपने अंडरवियर 1 हफ्ते में केवल 1 ही बार बदलता है। दूसरा लड़का कहता है यह काफी गंदा है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक लड़की भी आती है जो कि बताती है फुकिंग तुम्हारा फेस काफी प्योर है, और ऐसा कुछ कहकर उसे चिढ़ा रहे होते हैं। फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। अपने एमसी अपने मन में सोचता है मेरे पास आज रात एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने पिछले कुछ कामों को निपटाने के लिए। यहाँ पर एमसी शायद कुछ सोच रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं अपना एमसी एक कार शोरूम में आया होता है। वहाँ पर की सेल्स गर्ल बता रही होती है मिस्टर हमारे यहाँ पर 10th एनिवर्सरी है इसलिए हम आपको कार खरीदने पर एक डिस्काउंट भी देंगे। अपना एमसी बताता है मैं सोच रहा था एक कार बाय करने के लिए। तभी सेल्स गर्ल एक कार को दिखाते हुए बताती है यह आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अपना एमसी उसे देखकर खुश नहीं होता है और बताता है यह क्या बकवास है, यह रेड कलर की कार मुझे पसंद नहीं आई, यह तो एक पॉकेट एडिशन है, पॉकेट वर्जन। फिर वहाँ पर एक कार को देखता है और कहता है मुझे यह कार पसंद आई। तभी वह लड़की कहते है ठीक है मैं आपके लिए फॉर्मेलिटी को पूरी करती हूँ। फिर वहाँ पर वह दोनों लड़कियाँ कुछ बातें कर रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद अपना एमसी कार को खरीद लेता है। फिर हम लोग अगला सीन देखते हैं एमसी अपनी कार के साथ रियूनियन पार्टी में आ गया होता है। फिर वह रियूनियन पार्टी के अंदर जाते हुए कहता है मैं दोबारा से यहाँ पर आ गया। फिर वह डोर को ओपन करता है और अंदर की तरफ देखता है तो वहाँ पर कुछ लोग अजीब तरीके से पार्टी कर रहे होते हैं, मतलब कि देखो ये दुनिया उल्टी पुल्टी है इसलिए लड़कियां लड़कों को छेड़ रही होती हैं। जिसे देखकर अपना एमसी अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है ठीक है यह सही है। फिर वह लिन के पास आ जाता है और वहाँ पर बैठता है और बताता है विनर यहाँ पर क्यों नहीं दिख रही है, उसने मुझे इन्वाइट किया है तो वह कहाँ पर है। लिन बताती है मुझे दूसरों के अफेयर के बारे में कैसे पता चलेगा। फिर लिन बताती है लेकिन तुम नहीं जानते झाओ बुकिंग ने एक बेट लगाई थी कि तुम आज इस ड्रेस में नहीं आओगे, तो वह बैठार गया है इसलिए उसे 1 हफ्ते के लिए अपने दोस्तों को फूड पार्टी करानी होगी और इसलिए वह काफी गुस्से में होगा। अपना एमसी बताता है क्या वह बेवकूफ ने दोबारा क्या उसके सर पर चोट लगी है, मैं शॉपिंग मॉल के सामने ही था तो उसे कैसे लगा कि मैं इस ड्रेस में नहीं आ सकता, क्या वह सच में एक बेवकूफ है। फिर हम लोग देखते हैं पीछे वह लोग बुकिंग और उसके दोस्त आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं बुकिंग वहाँ पर गुस्से में होता है। लिन बता रही होती है अपनी एमसी से बुकिंग ने शायद ऐसा सोचा होगा कि तुम वहाँ से कुछ नहीं खरीदोगे। यह बात सुनने के बाद अपना एमसी बुकिंग की ओर देखता है और बताता है झाओ बुकिंग मुझे पता है कि तुम 1 हफ्ते के लिए हम सभी को खाना खिलाने वाले हो,
इसलिए मेरे बारे में मत भूलना, ऐसा कहकर अपने एमसी बुकिंग को चिढ़ा रहा होता है। बुकिंग बताता है, ऑफकोर्स यहाँ जितने भी लोग हैं मैं उन लोगों को अगले हफ्ते तक कैंटीन में फूड खिलाऊंगा। और यह बातें सुन के सारे लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं थोड़ा थोड़ा। और यह सारी चीजें होने के बाद झाओ बुकिंग मन ही मन में चुकिंग के ऊपर यानी अपने एमसी के ऊपर थोड़ा गुस्सा कर रहा होता है। तभी लिन धीरे से अपने एमसी को बताती है, वह स्मार्ट है, उसने अदर प्लेस को छोड़कर डायरेक्ट हमारे कैंटीन के लिए इनवाइट किया है। कैंटीन के खाना काफी चीप क्वालिटी का होता है, इसलिए उसने वहीं पर हम लोगों को इनवाइट किया है। फिर अपना एमसी बताता है, उसने एक बैट लगाई जो कि उसने हार गया और कुछ नहीं कहता। और कुछ देर बाद काम लोग सीन देखते हैं, वहाँ पर सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर झाओ बुकिंग बताता है कि मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, हम मिडिल स्कूल के पहले और दूसरे स्टूडेंट के साथ हैं और मैं एक लड़कों की बास्केटबॉल टीम बनाने के बारे में सोच रहा हूँ और हमारे पास जितने लोग हैं वह लोग काफी होंगे टीम में शामिल होने के लिए। फिर वह पूछता है अपने एमसी से, मुझे पता है कि तुम थोड़ा सा बास्केटबॉल खेलना जानते हो, तो क्या तुम टीम में शामिल होना चाहते हो? अपना एमसी बताता है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी लिन बताती है झाओ बुकिंग से, तुमने कहा कि अब चुकिंग थोड़ा सा खेलना जाता है यानी, और उसने मुझे हराया, यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं उसके जितना भी खेल नहीं सकती, यानी कि मैं खेलना नहीं जानती। और यह बातें सुनकर अपना झाओ बुकिंग थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तभी लिन बताती है, तुम टीम बना रहे हो या नहीं मुझे इससे कोई परवाह नहीं, लेकिन खेल कूद के सामान से जुड़े हुए, इसलिए अपने प्रॉब्लम्स को किनारे रखो, जीतो या हारो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी झाओ चुकिंग बताता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चुकिंग। फिर लिन पूछती है चुकिंग से, अरे तुम क्या सोचते हो टीम में शामिल होने के बारे में, बास्केटबॉल खेलने के बारे में? अपना एमसी बताता है, मेरा मानना है कि यह बिल्कुल सही है। फिर वह एक बाइट को लेते हुए बताता है, यहाँ अपना मुंह खोलो, मतलब वह खाना खिलाने के बारे में बोल रहा होता है। लिन उसे देखती है, थोड़ा हैरान होती है, फिर एक स्माइल देती है, फिर वह खाना को खाने लगती है। और यह सारी चीजें देखकर झाओ बुकिंग मन ही मन में काफी गुस्सा कर रहा होता है अपने एमसी के ऊपर पे। लिन बताती है, तुम बास्केटबॉल टीम में शामिल होने के बारे में क्या सोचते हो? अपना एमसी बताता है, यदि तुम चाहते हो कि मैं टीम में शामिल हो जाऊं तो मेरी एक शर्त है, तुम मुझे किस करोगी तभी मैं शामिल होऊंगा। जियान बताती है, ठीक है तुम फ्रेंड्स किसके बारे में क्या सोचते हो? अपने एमसी से। अपना एमसी बताता है, ठीक है लीड मैं लूंगा, तुम अपनी आंखें बंद करो। फिर अपना एमसी अपने हाथों से उसे उसके गाल को टच करता है, फिर उसके लिप को। और उसके बाद जियान बता रही होती है, तो कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए, इसलिए अगर तुम टूर्नामेंट को जीतते हो तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट होगा। तभी वहाँ के कुछ लोग बताते हैं, थैंक्स जियान, तुम्हारे पास पहले ही एक बॉयफ्रेंड है, अगर तुम हमें ट्रीट नहीं करोगी तो हम टीम में नहीं शामिल होंगे। और यह सारी बातें सभी लोग चिल्ला रहे होते, कहते हैं हमें ट्रीट करो, हमें ट्रीट करो। जियान बताती है, यदि तुम चाहो तो कोई समस्या नहीं है। अपना एमसी बताता है, लेकिन इस डिनर में मैं तुम सभी को पास के रेस्टोरेंट में डेजर्ट खाने के लिए ट्रीट करता हूँ, मतलब इनवाइट करता हूँ, ऐसा अपना एमसी कह रहा होता है। बाकी सारे लोग कहते हैं, हाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी उदार है। हाँ यह नॉर्मल बात है कि जियान तुम्हारे अलावा किसी और लड़के को नहीं देख रही थी, ऐसा लोग बोल रहे होते हैं। जियान बताती है, क्या तुम वाकई उन लोगों को इन्वाइट कर सकते हो? अपना एमसी बताता है, क्या तुमको लगता है कि मैं इन सभी पैसों को भुगतान नहीं कर सकता? अपना एमसी उसके बालों को छूते हुए बताता है, शांत हो जाओ, तुम पहले से ही मेरी लवर हो, मैं तुम्हें कैसे निराश कर सकता हूँ, ऐसा अपना एमसी बोल रहा होता है। तभी जियान अपने एमसी के गाल को खींचने लगती है और बताती है, तुम एक लड़के होने के नाते तुम एक लड़की से ज्यादा प्रसिद्ध होने का कोशिश कैसे कर सकते हो? और यह सारी बातें सुनकर वहाँ के सारे लोग उन दोनों के पास आ जाते हैं। बुकिंग बताता है, यह मीटिंग मैंने इन्वाइट की थी तो सभी लोग मेरे पास आना चाहिए, लेकिन चुकिंग ने सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, अट्रैक्ट कर लिया है। फिर कुछ देर बाद हो जाता है और हम लोग देखते हैं वह लोग वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। और उसके बाद वह लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जियान बताती है, यहाँ का डेजर्ट सचमुच अच्छा है। तभी झाओ बुकिंग को कुछ दिखाई देता है और बताता है लिन वेरन, और ऐसा कहकर लिन वेरन के पास जाने लगता है। लिन वेरन वही है जिसने अपनी एमसी को इनवाइट किया था फूड डिनर पे इस पार्टी में। झाओ बुकिंग बताता है, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? लिन वेरन बताती, हाँ मुझे कुछ जरूरी काम करना था इसलिए मैं नहीं आ सकी। फिर वह वहाँ से जाते हुए बताती है चुकिंग, और चुकिंग को हेलो कहती है। लिन वेरन वहाँ पर खड़ा ही रह जाता है। फिर वह चुकिंग के पास आती है और कहती है कि मैं आ गई। अपने एमसी बताता है, लिन वेरन
इंतजार करते रहना तुम्हारे लिए बहुत बुरा है। लिन वेरन बताती है, कंपनी चाहती थी कि मैं वहाँ पर एक और वीडियो को रिकॉर्ड करूँ और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं यहाँ पर कितनी जल्दी जल्दी आई हूँ? अपना एमसी बताता है, क्या तुमने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? क्या तुम अपनी तैयारी कर रही हो? और ऐसे ही दोनों बातें कर रहे होते, पीछे जाओ बुकिंग, काफी गुस्सा हो रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ देर टाइम बीत जाती है और एक लड़का कहता है, दोस्त आज पियानो वाला नहीं आया, इसलिए हम लोगों को जाओ बुकिंग को कहना चाहिए पियानो बजाने के लिए, क्या तुम लोग इस बात पर सहमत हो? तो वह लोग कहते हैं हाँ हाँ। तभी वहाँ पर जाओ बुकिंग आता है और बताता है, मैंने लेवल 6 की पियानो एग्जाम को पास कर लिया है, लेकिन आगे अकेले प्ले करना यह मजेदार नहीं होगा। अगर लिन वेरन हम लोगों के लिए थोड़ा सा डांस दिखाएगी तो यह काफी मजेदार होगा। फिर वहाँ पर लिन वेरन बताती है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिन बताती है वहाँ पर, आज यह डांस मेरे सबसे अच्छे दोस्त के लिए। फिर वह वहाँ पर डांस करने लगती है और यहाँ पर यह लोग कुछ लोग अपने एमसी के पास आते हैं और बताते हैं, चूकिंग बहुत लकी है, उसने एक ही समय पर दो गॉडेस का प्यार पा लिया है। भले ही हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर वहाँ पर जाओ बुकिंग भी यह सारी बातें सुनकर थोड़ा गुस्से में आ जाता है और पियानो को बजाने लगता है और वहाँ पर लिन अपना डांस दिखाने लगती है। तभी अपना एमसी बताता है, वह बच्चा बहुत अच्छा पियानो बजाता है। जियान बताती है, क्या तुमको नहीं लगता कि यह डांस बेहतर है? और यह थोड़ा जेलस एटीट्यूड में बोल रही होती है, जिसे सुनने के बाद अपना एमसी बताता है, गॉडेस जियान इस तरह से बात करते हुए मुझे यह मत कहिए कि आप जेलस हैं। जियान बताती है, तुम कहाँ देख रहे हो, वह स्पेशली तुम्हारे लिए डांस दिखा रही है, तो उसे निराश मत करो और उसे देखने की कोशिश करो। फिर अपना एमसी जियान के गालों को पिंच करने लगता होता है और यह सारी चीजें जॉब बुकिंग देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है, जो लड़की मुझे पसंद है वह तुम्हारे लिए डांस कर रही है, फिर भी तुम किसी और लड़की से बात कर रहे हो, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? ऐसा जॉब बुकिंग अपने मन में सोच रहा होता है। फिर जाओ बुकिंग अपने पियानो पर अपना हाथ रखता है और गुस्से में उठता है और बताता है, चूकिंग क्या तुम जानते हो कि रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? अपना एमसी बताता है, तुम प्ले करो या ना करो यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं इस सॉन्ग को सुनूं या ना सुनूं यह मेरी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो। फिर जाओ बुकिंग बताता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम मुझ पर ध्यान दे रहे हो या नहीं, लेकिन लिन के बारे में क्या? तभी अपना एमसी अपने सीट से उठता है और एक वाइन को लेते हुए लिन की ओर शो करता है और उस वाइन को पी लेता है, जिसे देखने के बाद लिन थोड़ा स्माइल देती है और फिर से अपने डांस को स्टार्ट कर देती है, जिसे देखने के बाद जाओ बुकिंग मन ही मन में काफी गुस्सा होता है और बताता है अपने एमसी से, साले जब कोई अपना अभिनय कर रहा हो तो तुम वहाँ हंस रहते हो, क्या तुम शो देखने के नियम को नहीं जानते? अपना एमसी बताता है, जो गाना बज रहा है वह नॉर्मल है, इससे बेहतर मैं अपने सीटी को बजाते हुए एक सॉन्ग बना सकता हूँ जो कहीं बेहतर होगा। अगर मैं तुम्हारी तरफ प्ले कर रहा होता तो मैं खुद के हाथ को काट लेता। और यह सारी बातें सुनकर जाओ बुकिंग गुस्से में आ जाता है और बताता है, चूकिंग तुमने अभी जो कहा उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी होगी, वह भी घुटनों पे बैठकर और काफी गुस्से में आ गया होता है जाओ बुकिंग। अपना एमसी बताता है, यह कैसा है, यदि तुम हार जाते हो तो तुम्हें अपने हाथों से अलविदा कहना होगा। यह बातें सुनकर जाओ बुकिंग वहाँ पर डर जाता है। तभी अपना एमसी अपने होठों से सॉन्ग बजाने लगता है, यानी सीटी से सॉन्ग बनाकर बजाने लगता है और यह सॉन्ग सुनने के बाद वहाँ के सारे लोग खुश हो जाते हैं। अलविन और जियान इस गाने को सुनकर काफी हैरान और कहती है, यह गाना काफी अच्छा है। और जाओ बुकिंग भी वहाँ पर थोड़ा हैप्पी फील करने लगता है और उसे तुम लोग देख लेते हो, उसे यह गाना कितना अच्छा लगा होता है। तभी वहाँ के सारे लोग उस गाने को एंजॉय कर रहे होते हैं और अपना एमसी बताता है, मैंने इस सॉन्ग को तब सीखा था जब मैं गॉड रिलम में जा रहा था, तभी मैं इस गाने को सीख रहा था। तभी वहाँ के सारे लोग कहते हैं, यह पहली बार है कि मैंने इतना सुंदर गाना सुना है, इस बार जाओ बुकिंग हार गया। तभी हम लोग देखते हैं जाओ बुकिंग को अचानक किसी से डर लगने लगता है, फिर उसे अपना एमसी एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है। जाओ बुकिंग वहाँ पर काफी डर जाता है और कहता है चुकिंग और ऐसा कर डर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं लिन उसके सामने आती है और उसे डिफेंड करने लगती है जाओ बुकिंग को और बताती है चुकिंग तुम। तभी अपना एमसी बताता है, क्या तुम मुझे उसे माफ करने के लिए कह रही हो? लिन वहाँ पर कुछ नहीं बोलती और शांति से खड़े रहती है। तभी पीछे से जियान आती है और बताती है अपने एमसी को, हम सब कलीग्स हैं, उसे डराना बंद करो, इस बारे में बाद में सोचना, इसके अलावा यदि तुम ऐसा करते हो तो
तुम्हें समस्या होगी, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अपना एमसी अपने मन में सोचता है, मैं इस गाने को बजाने में इतना खो गया था कि मैं भूल ही गया कि मैं हेवन में नहीं हूँ, यहाँ पर मैं एक नॉर्मल मॉडल हूँ। फिर वह वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर ब्रेड के पास एक नाइफ पड़ी होती है। फिर उसे वह उठाता है और झाओ बुकिंग के पास चला जाता है। झाओ बुकिंग काफी डर रहा होता है और अपना एमसी उसे डरा रहा होता है। झाओ बुकिंग बताता है, तुम क्या कर रहे हो। फिर अपना एमसी जल्दी से झाओ बुकिंग के सारे बालों को काटने लगता है। झाओ बुकिंग वहाँ पर चिल्ला रहा होता है और नीचे बैठ जाता है। हम लोग देखते हैं उसके सारे बाल कट चुके थे। झाओ बुकिंग अपने सर को पकड़ते हुए रो रहा होता है। तभी अपना एमसी अपने नाइफ को उसके पैरों के बीच में फेंकता है, जिसे देखकर झाओ बुकिंग और भी जाता है। अपना एमसी बताता है, मैं पुराना चुकिंग नहीं हूँ जिसे तुम आसानी से धमका सकते हो, मुझे आशा है कि तुमको यह याद रहेगा। झाओ बुकिंग बताता है, चुकिंग क्या तुम कुछ ज्यादा कठोर नहीं हो रहे हो। अपना एमसी बताता है, बहुत कठोर, अगर मैं हार जाऊँ और भले ही मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊँ तो भी तुम मुझे जाने नहीं दोगे। मैं केवल अपने मॉम डैड के सामने ही घुटनों के बल बैठता हूँ। तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करूँ। अपने एमसी बताता है, अब भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहता। चुकिंग वहाँ पर डर रहा होता है। फिर चुकिंग वहाँ से अपने सर को पकड़ते हुए चला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं उसके पीछे जितने भी लोग होते हैं थोड़ा डर रहे होते हैं। तभी अपना एमसी पीछे मुड़ता है और कहता है, परेशान करने वाला व्यक्ति चला गया, चलो धमाल मचाते हैं। फिर वह लोग वहाँ पर पार्टी करने लगते हैं। तभी जियान उसके पास आती है और बताती है, हर बार जब भी मैं तुमसे मिलती हूँ तुम्हें समझ पाना काफी कठिन होता जा रहा है। अपना एमसी बताता है, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि तुम मुझे जानती हो कि मैं कौन हूँ। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपना एमसी कहीं पर जा रहा होता है। फिर अपने मन में सोचता है, अगर मैं घर जाता हूँ तो मेरे बॉडी के ऊपर से बियर की सुगंध आ रही है, तो मैं घर वापस नहीं जा सकता। फिर वह कॉल लगाने लगता है और बताता है, सिस्टर मैं आज रात घर नहीं आ पाऊंगा, प्लीज मेरे लिए मॉम डैड के सामने मेरे लिए बहाना बना लेना। हम लोग देखते हैं उसकी सिस्टर अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है और बताती है, गधे मैं तुम इस समय कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोलूंगी। तभी अपना एमसी बताता है, क्या तुम नहीं करोगी, यदि तुम मेरी मदद करती हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, यह तुम्हारे लिए तय करना सही है। उसकी सिस्टर बताती है, कोई बात नहीं, और ऐसा कहकर वह खुश होने लगती है। फिर हम लोग देखते हैं अपना एमसी लिली के घर के पास आता है और अपने मन में सोचता है, इस समय लिली शायद जाग रही होगी। फिर वह डोर को खोलता है और वह देखता है डोर पहले से ही खुला हुआ है और वह काफी हैरान हो जाता है। तभी वह डोर खोलकर देखता है तो वहाँ पर लिली और एक बुड्ढा इंसान होता है और वह बुड्ढा इंसान बताता है, यह कौन है, लिली से पूछता है। तभी अपना एमसी लिली के पास आ जाता है और बताता है, मैं लिली का लवर हूँ और तुम कौन हो। फिर वह पर्सन बताता है, क्या तुम लिली के बॉयफ्रेंड हो। अपना एमसी बताता है, हाँ। वह बुड्ढा पर्सन बताता है, खैर मैं इसका डैड हूँ, उसने मुझसे 3 मिलियन युआन का बकाया है, क्या तुम इसका भुगतान कर सकते हो। तभी लिली बताती है, झूठ बोलना बंद करो, बल्कि तुम्हारा 3 मिलियन का बकाया मुझ पर है, तुम उस पैसों के साथ गैम्बलिंग करते हो। फिर वह पर्सन बताता है, लिली का डैड बताता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारा रेडी हूँ, तुम मेरी बेटी हो, स्वाभाविक रूप से तुम्हें मुझे पैसे देना चाहिए। लिली बताती है, तुमको क्या लगता है कि मुझे वह पैसे कैसे मिलते हैं। फिर लिली अपने कार्ड को अपने डैड की ओर फेंकते हुए बताती है, यह मेरा सारा पैसा है, भाड़ में जाओ और वापस मत आना। फिर लिली का डैड उस कार्ड को अपनी जेब में रख लेता है और बताता है, यह थोड़ा सा पैसा है, बाकी पैसा मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मांग लूंगा। तभी लिली बताती है, उसके पास पैसा नहीं है, वह सिर्फ एक स्टूडेंट है। उसका डैड बताता है, तुम बेशरम हो लिली, तुम अब स्टूडेंट की बहकावे में आ रही हो, मुझे यकीन नहीं है, मुझे यकीन है कि वह तुम्हारे पैसों का यूज जीने के लिए कर रहा है। तभी लिली बताती है, क्या तुमको लगता है कि अगर उसके पास पैसा होता तो वह मुझे कैसे नोटिस करता और मेरे पास कैसे आता। और यह सुनने के बाद अपना एमसी थोड़ा अपने मन में सोचता है, यह कहने की बात नहीं थी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी उसका लिली का डैड उस लिली के हाथ को पकड़ता है और बताता है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसे ब्रेकअप कर लो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अमीर बॉयफ्रेंड ढूंढूंगा और वह तुमसे कम उम्र का नहीं होगा। फिर लिली का डैड बताता है, अगर मैं तुम्हारी बॉडी को बेच देता हूँ तो तुम्हारे लिए यह नुकसान नहीं होगा, बस एक रात के लिए तुम्हें उन अमीर लोगों के साथ जाना होगा और तुम्हें उनसे शादी करने की जरूरत भी नहीं होगी। और लिली का फादर लिली को खींचते हुए ले जा रहा होता है और लिली उसे कहती है, यू बास्टेड। फिर तभी
भी हम लोग देखते हैं, वहाँ पर अपना एमसी आ जाता है और लिली को अपनी तरफ खींचता है और बताता है लिली के डैड से, मैं तुम्हें 3 मिलियन दे सकता हूँ लेकिन तुम्हें लिली के साथ अपना रिश्ता खत्म करना होगा और उसे फिर कभी परेशान नहीं करना है तुम्हें। लिली का डैड कहता है ठीक है क्या तुम दे सकते हो। फिर अपना एमसी लिली को बताता है चिंता मत करो मैं इसे संभाल सकता हूँ। लिली बताती है चुकिंग तुमको यह करने की जरूरत नहीं है। लिली का डैड बताता है नहीं मैं और अधिक प्राप्त कर सकता हूँ, 3 मिलियन काफी नहीं होंगे, इसे कम से कम 5 मिलियन होना चाहिए। लिली इस बात को सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम बास्टेड। तभी अपना एमसी बताता है अभी एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि तुम अपनी पिता और बेटी के रिश्ते को खत्म करना चाहते हो और जब तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लिली का डैड कहता है नहीं मैं केवल उसमें यह एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि मैं अब लिली को और नहीं खोजूंगा, मतलब उसे और नहीं परेशान करूंगा, बस इतना ही। अपना एमसी कहता है अगर तुम लिली से दोबारा मिलते हो और लिली को परेशान करते हो तो यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और तुम्हें पैसे वापस करने होंगे और वो भी इंटरेस्ट के साथ। तभी लिली का डैड बताता है नहीं ठीक है मैं साइन करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है। फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद एमसी कॉन्ट्रैक्ट को बना देता है और बताता है साइन करने के लिए। लिली का डैड कहता है ठीक है। लिली का डैड उस पे साइन कर देता है और बताता है मैंने इस पर साइन कर दिए अब पैसे कहाँ है। अपने एमसी उस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है और कहता है जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर अपना एमसी एक चाय की कप को उठाता है और उसमें अपना एनर्जी डालने लगता है जिसे देखकर लिली का डैड भी वहाँ पर कहता है घबराते हुए क्या तुम मैजिक यूज कर सकते हो। अपना एमसी वह कप लिली के डैड की ओर फेंकता है जिससे हम लोग देखते हैं लिली के चेहरे पर एक निशान पड़ जाता है और वहाँ से खून बहने लगता है। लिली का डैड वहाँ पर चिल्ला रहा होता है। तभी अपना एमसी बताता है मैं पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा लेकिन अगर मैंने तुम्हें दोबारा लिली के पास देखा तो मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए, तो इसलिए लिली का पीछा दोबारा मत करना। फिर लिली का डैड कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर हम लोग देखते हैं लिली अपने एमसी के गले लग जाती है और बताती है मैं वह 5 मिलियन तुमको जल्द से जल्द लौटा दूंगी। अपना एमसी बताता है चिंता मत करो यह तो कुछ पैसे हैं, यह तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं लिली वहाँ पर थोड़ा सा स्माइल देती है, फिर लिली अपने एमसी को किस कर लेती है और फिर वहाँ पर सुबह हो जाती है। हम लोग देखते हैं अपना एमसी अपनी आंखों को खोलता है और देखता है कि लिली वहाँ पर जागे हुए उसे देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। अपना एमसी पूछता है क्या आज सूरज पश्चिम दिशा से निकला है, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई। लिली बताती है जल्दी करो और धो लो, मतलब अपना मुंह धो लो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छा है। फिर हम लोग देखते हैं वह ब्रेकफास्ट करने के लिए आए होते हैं अपना एमसी और लिली। एमसी देखता है कि पूरा घर चमचमा रहा होता है, मतलब साफ सफाई हुई होती है। अपना एमसी बताता है अचानक तुम मेरी इतनी ख्याल क्यों रख रही हो। अपना एमसी पूछता है, लिली बताती है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती और बड़े प्यारे अंदाजों में कहती है। अपना एमसी कहता है तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, इसे मत सोचो और चिंता मत करो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अपना एमसी वहाँ से चला जाता है। हम लोग देखते हैं लिली वहाँ पर बर्तन धो रही होती है। अपना एमसी अपने मन में सोचता है लिली अब काफी मोटिवेट हो गई है और मेरा पीठ दर्द कर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी के मोबाइल पर मैसेज आता है झाओ का। झाओ बताता है क्या कोई प्रॉब्लम है। फिर अपना एमसी बताता है कल तुमने जो 5 मिलियन दिए हैं उसके लिए धन्यवाद, मैं तुम्हें जल्दी तुम्हें 5 मिलियन दे दूंगा। फिर वह लोग काफी देर तक बात करने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं बीच में जियान का मैसेज आया होता है। जियान बताती है क्लास में आओ और बास्केटबॉल क्लब में आओ। हम लोग देखते हैं अपना एमसी बास्केटबॉल क्लब में आया होता है जहाँ की लड़की सही से बास्केटबॉल नहीं खेल पाते और यहाँ वहाँ पर गिर रहे होते हैं। हम दो लोग देखते हैं जियान वहाँ पर साइड में बैठी होती है शांति से। अपना एमसी जियान के पास जाता है और बताता है क्या वो लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं या आप गेंद पकड़ रहे हैं, अगर हम ऐसे खेलेंगे तो कैसे जीतेंगे। जियान बताती है हम तब तक वेट करेंगे जब तक वो लोग लड़कियों के लेवल जितना बास्केटबॉल नहीं खेल सकते और इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर जियान बताती है टॉपिक बदलते हुए क्या तुमको याद है कि तुमने मुझसे दूसरी बार क्या कहा था, क्या तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला है, मेडिसिन फॉर्मूला है। अपना एमसी एक पेपर को दिखाते हुए बताता है मेरे हाथ में वह फॉर्मूला है जो जादूगरों की जादू को और भी बढ़ा देगा। फिर जियान उस फॉर्मूला को ले लेती है और बताती है क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो, क्या तुमको डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी फॉर्मूला चुरा लूंगी और इसे लेकर भाग जाऊंगी। अपना एमसी बताता है अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूं और मुझे पैसों की परवाह नहीं है तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी। जियान कहती है हाँ। फिर जियान बताती है मुझे लगता है कि मुझे सचमुच तुमसे प्यार हो गया है। अपना एमसी बताता है ओ
क्या इसका मतलब यह है कि तुम मुझे पहले पसंद नहीं करती थी? अपनी जिया अनवा पर हंसने लगती है और कहती है, पहले मुझे तुम पहले से ही इंटरेस्टिंग लगते थे, लेकिन अब ऐसा कहकर जिया ने एक स्माइल देती है। और फिर हम लोग देखते हैं जियान अपने एमसी को किस कर लेती है। तभी हम लोग देखते हैं एक बास्केटबॉल एमसी के पास आ रहा होता है। अपना एमसी बड़े स्टाइल में उस बास्केटबॉल को रोक लेता है और हम लोग देखते हैं वहाँ के कुछ लड़के इसे देखकर काफी गुस्से में हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं अपना एमसी उस गेंद को अपने फिंगर पर रोल करने लगता है। फिर बताता है, यह सारी चीजें तुम्हारी गलती है, तुम्हें माफी मांगनी होगी। तभी हम लोग देखते हैं जियान बताती है, सारे के सारे जल्दी से 50 चक्कर लगाओ ग्राउंड के। हम लोग देखते हैं वह लड़के काफी डर जाते हैं और वहाँ पर रोने लगते हैं। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर रात हो जाती है। अपने एमसी अपनी पढ़ाई को कर रहा होता है और तभी हम लोग देखते हैं पीछे से उसकी मॉम आ जाती है। अपने एमसी उन्हें देखकर कहता है मॉम। तभी हम लोग देखते हैं उसकी मॉम शांति से आकर उसके बेड पर बैठ जाती है और बताती है, चूकिंग मुझे तुमसे कुछ पूछना है और मैं आशा करती हूँ कि तुम ईमानदारी से मुझे उत्तर दोगे। क्या तुमको कोई लड़की पसंद है जिसे तुम पसंद करते हो? अपना एमसी बताता है, हाँ, लेकिन आप इतनी अचानक से क्यों पूछ रहे हैं? उसकी माँ बताती है, यह कोई जरूर इम्पोर्टेंट परिवार की लड़की होगी, है ना? यह आश्चर्य की बात है कि उनका परिवार हाल ही में हमारी कंपनी को मदद कर रहा है। यदि तुम उस व्यक्ति से शादी करते हो जिससे तुम प्यार करते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती। कुछ दिन पहले तुमने अपनी मौसी से मिला था, वह मेरी सौतेली बहन है। हमारे परिवार में 7 से 8 सदस्य है। मेरी माँ आपकी दादी ने 5 लड़कों से शादी की है और उनके बहुत सारे बच्चे हैं। और ऐसी कुछ बातें बताने लगती है और बताती है उसकी मॉम, तो तुम्हारी दूसरी आंट का एक्सीडेंट हो गया है और उनका प्लान खराब हो गया है। फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी कहता है, अच्छा ऐसा है। फिर उसकी मॉम बताती है, लेकिन हमारा परिवार उस मामले को छोड़ने वाला नहीं है। इस समय मैं शक्तिहीन हूँ इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। अपना एमसी बताता है, क्या तुम लोग फ्रेंडली नहीं हो सकते? एमसी की मॉम बताती है, क्या तुम चैंसी से शादी करना चाहते हो और उस शादी से छुटकारा पाने चाहते हो? चूकिंग क्या तुम नेशनल यूनिवर्सिटी को जानते हो? अपना एमसी बताता है, मैं जानता हूँ यह नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, बल्कि यह देश का सबसे पावरफुल ताकतों में से भी एक है। उसकी मॉम खुश हो जाती है और बताती है, रियली यदि तुम शादी से छुटकारा पाना चाहते हो और अपना भाग्य बनाना चाहते हो तो तुमको इस यूनिवर्सिटी में जाना होगा। इसके साथ ही जो परिवार यूनिवर्सिटी के लोगों से विरोध करने की कोशिश नहीं करेगा, मतलब इसकी मॉम बता रही होती है, मतलब कि अपना एमसी का शादी इसकी मौसी ने तय किया होता है जिसे अपना एमसी तोड़ना चाहता था। इसलिए उसकी मॉम बताती है, अगर तुम इस यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वहाँ के टीचर्स या फिर कहें वहाँ के अधिकारी अपने एमसी को प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा इसकी मॉम कह रही होती है। अपने एमसी कहता है, हाँ मैं कोशिश करूंगा। फिर हम लोग देखते हैं अपना एमसी कुछ देर बाद अपनी कल्टीवेशन को करने लगता है और बताता है इस दुनिया का फाउंडेशन काफी। फिर अपने कल्टीवेशन के बारे में कुछ बताने लगता है और जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। फिर वह अपने शॉर्ट को निकालता है और बताता है इसे यूज करने के लिए कुछ मटेरियल्स की जरूरत है, मतलब इसे स्टेबल नहीं है इसका शॉर्ट, यही बता रहा होता है। और बताता है इसे भले ही नंगे आंखों से नहीं पहचाना जा सके लेकिन मैं इसे महसूस करता हूँ, यह तलवार कैसे बदल रही है। फिर अपने शॉर्ट को वह रख लेता है और किसी चीज को ढूंढने की बात ही कर रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं तभी एमसी के फोन पर किसी का फोन आता है और एमसी कहता है हेलो। तभी हम लोग देखते हैं उधर से जाओ कहता है चूकिंग, मैंने तुमसे काफी बार कहा था कि आज ऑक्शन होने वाला है, तुम्हें ऑक्शन में भाग लेना होगा और ऑक्शन अभी शुरू हो गया है। अपना एमसी सोचता है यह कैसे हो गया। फिर अपना एमसी कुछ देर पहले का बात सोचता है, अपना एमसी क्लास में था और झाओ काफी बार बता रहा था आज ऑक्शन रात 8 बजे शुरू होगी, तुम्हें वहाँ पर पहुँचना होगा और काफी सारे ऐसे मैसेज आए होते हैं। अपना एमसी कहता है ठीक है। फिर वहाँ पर अपना एमसी सो जाता है और कुछ देर बाद वह उस बात को भूल गया होता है और अपना एमसी अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है कि मैं इसे भूल गया था और सो गया था। फिर हम लोग देखते हैं अपना एमसी तैयार होकर ऑक्शन के लिए जाने के लिए तैयार था और अपने मन में सोचता है आइए देखते हैं क्या यहाँ पर कोई ऐसा मटेरियल मुझे मिल सकता है जो मेरे शॉट को स्टेबल करने में मदद करेगा। फिर अपना एमसी ऑक्शन में आ जाता है और देखता है कि वहाँ पर झाओ को कोई लेडीज कहीं पर जाने के लिए कह रही होती है। अपना एमसी अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है कि झाओ का परिवार चाहता है कि झाओ कुछ फेमस लड़कियों के बीच में जाए, मतलब उनसे कुछ रिलेशन बनाए।
फिर हम लोग देखते हैं पीछे से कुछ लोग बात कर रहे होते हैं अपने एमसी को देखकर, क्या उसके जैसा लोग भी ऑक्शन में आ सकते हैं? देखो वह कितना गिरा हुआ लग रहा है। और तीसरा पर्सन कहता है, जब भी मैं उसे उस आदमी को देखता हूँ और मुझे हंसी आ जाती है। फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी के बगल से एक महिला वहाँ से गुजरती है और उससे टकरा जाती है। और उसके पास का एक लड़का बताता है, यह ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम जैसे गरीब लोग आ सके। तभी वह लड़की बताती है, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, मेरी ओर देखना बंद करो, तुम कोई सफेद हंस नहीं हो सकते, ऐसा कह रही होती है वह लड़की। अपने एमसी कहता है, यह छाव परिवार का प्लेस है, क्या तुम इस प्लेस के मालिक हो? छाव परिवार अपनी रिस्पेक्ट खो देगा अगर वह जानते, अगर वह देखेंगे कि तुम्हारे जैसा भी लोग यहाँ आए हैं। और ऐसा कहकर उस लड़की का थोड़ा इंसल्ट कर रहा होता है। तभी वह लड़की बताती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे इंसल्ट करने की और ऐसा बुरा चेहरा बनाने की? यह मत समझो कि तुम एक लड़के हो तो मैं तुम्हें मार नहीं सकती। फिर अपने एमसी को एक थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, अपना एमसी उसके हाथ को रोक लेता है और बताता है, तुम ही पहले हो जो जिसने यह शुरू किया था। और ऐसा कहकर अपना एमसी उसके हाथ को तोड़ देता है। वह लेडीज वहां पर चिल्लाने लगती है और वहां उसके पास का वह लड़का कहता है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी हमें बचाओ। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से छाव आता है और बताता है, मिस्टर चुकिंग को शर्मिंदा करने की कोशिश, यानी मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश। फिर वह कहता है, तुम दोनों को अब से इस ऑक्शन हाउस से बैन किया जाता है और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अपना झाओ कह रहा होता है। वह दोनों कहते हैं, मिस्टर झाओ मुझे माफ करना, हमें पता नहीं था। फिर हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी उन लोगों को ले जा रहे होते हैं। अपना झाओ कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा स्वागत कुछ खराब हुआ। अपना एमसी कहता है, कोई बात नहीं, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते थे? झाओ बताता है, क्या आपकी मां इंपेलर कैपिटल में चू परिवार की सदस्य है? अपना एमसी कहता है, हाँ। फिर झाओ बताता है, तुम्हारी आंट का एक पैर और एक किडनी खो गया है। इंपेलर परिवार में परिवार से कोई व्यक्ति जानकारी खरीदने आया और मैंने तुरंत उसे पकड़ लिया। फिर झाओ बताता है, और इसमें तुम और तुम्हारे रिलेटिव भी शामिल थे, वह लोग तुम्हें शायद मारना चाहते थे, ऐसा झाओ कह रहा होता है। शायद से, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ झाओ इशारों में बता रहा होता है। अपने ऐसे बताता है, हत्या किसने की क्या तुम जानते हो? झाओ बताता है, कोई सुराग नहीं मिला और जांच अभी भी जारी है। अपने एमसी सोचता है, इंपेरलर कैपिटल में चू परिवार की कंडीशन को जाने बिना मैं उस समय वास्तव में चिंतित था, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं वहां पर चुनसी और चुनसी की मॉम आ जाती है। चुनसी बताती है चुकिंग। तभी अपना एमसी भी चुनसी को देखकर एक स्माइल देता है और अपना झाओ कहता है स्टाइल में लेडी बॉस, मतलब मालकिन मालकिन, ऐसा कह रहा होता है। चुलसी की मॉम कहती है, जियाओ किंग मैंने सुना है कि तुम नेशनल यूनिवर्सिटी में शामिल होना चाहते हो, इसलिए तुम एग्जाम देना चाहते हो, तुम्हें घर पर रहकर पढ़ाई करना चाहिए, ना कि इस तरह बाहर जाकर बाहर आना चाहिए। अपने एमसी कहता है अपने मन में, आंटी मेरे और झाओयू के रिश्ते को लेकर चिंतित लग रही हैं। अपने एमसी बताता है, चिंता मत करो मैं ठीक हो जाऊंगा। तभी चुलसी बताती है, माँ आगे बढ़ो, मैं चुकिंग से कुछ कहना चाहती हूँ, और अपनी मॉम को धक्का देते हुए थोड़ा दूर ले जाती है। फिर अपने एमसी के पास आ जाती है और गले लगा लेती है और कहती है, चुकिंग आखिरकार हम मिल गए। अपना झाओ बताता है, ऑक्शन कुछ देर में शुरू हो जाएगा, क्या तुम दोनों को यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है? अपना एमसी बताता है, आंटी की बातों पर ध्यान मत देना। झाओ बताता है, बिल्कुल नहीं, मैं बॉस के होते हुए किसी की परवाह नहीं करता। फिर झाओ एक रूम को दिखाते हुए कहता है, यहाँ पर कुछ मटेरियल्स है जो तुम्हें देखना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं अपना एमसी और चुनसी उस रूम में आ जाते हैं। चुनसी बताती है, तुमने जिस स्टोन के बारे में कहा था वह रियली में इस ऑक्शन हाउस में आया था, और मैं बता दूं यह स्टोन एमसी ने ही भिजवाया था झाओ के हाथों, जो कि इस नीलामी में बिकेंगे और एमसी को कुछ पैसे मिलेंगे। अपना एमसी बताता है, हाँ मैं जानता हूँ वह पांच है। फिर तभी अपना एमसी चुनसी को चाय देते हुए कहता है। तभी चुनसी उसे देखती है और बताती है, तुम मुझे चाय दे रहे हो और खुद एक वाइन पी रही हो। तभी अपना एमसी अपने मन में सोचता है, मैं तो भूल गया था इस दुनिया में लड़कियां वाइन पीना पसंद करती है, ना कि चाय। तभी चुलसी बताती है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है कि कोई भी लड़की तुम्हारे सामने वाइन पिए तो मैं रुक सकती हूँ। अपना एमसी कहता है, आई डोंट केयर। तभी हम लोग देखते हैं चुलसी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथों को हक करने लगती है और बताती है, अब हम जितना चाहे उतना पी सकते हैं, बस हम दोनों। फिर अपना एमसी उसे देखते हुए ब्लश करने लगता है और अपने मन में सोचता है, अरे यार उसका परफ्यूम वह सचमुच चाहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कॉमेंट करो।